तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स, ठीक है ना। टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स यानी कि प्लांट्स में जो है डिफरेंट टाइप्स के जो टिश्यू सिस्टम है वो कैसे बने हुए हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अकॉर्डिंग टू साइज नाम के साइंटिस्ट, According to Sage, नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इन्होंने कहा गया कि स्पेसिफिक प्लांट्स में थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम आर फाउंड, स्पेशली थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम आर फाउंड। फर्स्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फर्स्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ओके, एंड थर्ड वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। सो टिश्यू सिस्टम, इन सबसे पहले तो आप जानिए टिश्यू सिस्टम है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्त। व्हाट इज टिश्यू? Tissue is the group of cells that perform. Tissue is a group of cells. क्या है? Tissue जो है वो group of cells है, ठीक है ना? जिसका origin भी same है और function भी also same. तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, according to Sage, epidermal tissue system, ground या fundamental tissue system and vascular tissue system. ठीक? तो जरा ध्यान दीजिए, जो epidermal tissue system होगा ना, ठीक है? ये स्पेसिफिक क्या क्या रोल प्ले करेगा? तो पहला रोल है इसका प्रोटेक्शन, व्हाट प्रोटेक्शन कर सकता है, ओके, वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर क्या कर सकता है, एब्जॉर्प्शन कर सकता है, ठीक है ना। गैस एक्सचेंजेशन क्या कर सकता है, ये गैस का एक्सचेंजेशन कर सकता है, ठीक है ना। जबकि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की आप बात करोगे या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम की, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मजबूती दे सकता है और स्टोर फूड मटेरियल, क्या कर सकता है, दैट इज इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड, ओके ना। एंड लास्ट वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम विच आर कमिटेड फॉर वाटर मिनरल साल्ट्स फूड एंड हार्मोन्स कंडक्शन, ठीक है ना। जबकि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसमें जाइलम फ्लोएम और फ्लोएम आएंगे, क्या आएंगे, जाइलम फ्लोएम एंड कैम्बियम। तो ये क्या कर सकता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम? वाटर मिनरल साल्ट्स फूड हार्मोन्स कंडक्शन, ठीक है ना, एज वेल एज ग्रोथ इन विड्थ ये पौधे को चौड़ाई में बढ़ने में भी हेल्प करेगा, ठीक है ना, एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मजबूती देने में भी रोल प्ले करेगा, ठीक। तो इस तरह से हमने जाना कि अकॉर्डिंग टू सच एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज डिवाइड इन थ्री टाइप्स टिश्यू सिस्टम, ठीक है, टिश्यू सिस्टम इज डिवाइड इन थ्री टाइप्स 1971, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो लोग सबसे पहले सीखेंगे हम स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है ना, कैसे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक। तो सपोज चलिए हम पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सपोज ये मान लिया हमने ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम,
सिस्टम का फिगर है, इसको हमने क्या कर दिया, कवर अप, ठीक है। स्पेशली एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जरा ध्यान दीजिएगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है ये कहां से कहां तक हो सकता है, एपिडर्मिस टू पेरिसाइकल, यानी कहां से कहां तक होगा, एपिडर्मिस से लेकर के पेरिसाइकल। तो सपोज मैंने एपिडर्मिस बना दिया, ठीक है दोस्त, आइए ये हमने फॉर्म कर दिया, दैट इज एंडोडर्मिस, ओके। एंड नेक्स्ट सपोज दैट इज पेरिसाइकल, ठीक है दोस्त, दैट इज एपिडर्मिस, व्हाट कॉल्ड, एपिडर्मिस, दैट इज एंडोडर्मिस, एंड बीनीथ एंडोडर्मिस दैट इज कॉल्ड पेरिसाइकल, व्हाट कॉल्ड, पेरिसाइकल, ठीक है। जस्ट बीनीथ एपिडर्मिस एलोसिट सेल्स दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस, व्हाट कॉल्ड, व्हाट कॉल्ड, हाइपो डर्मिस, तो दैट सेल इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस, हाइपो डर्मिस, एंड जस्ट बीनीथ हाइपोडर्मिस द नेक्स्ट सेल सपोज दैट इज कॉल्ड, व्हाट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स सेल्स, व्हाट कॉल्ड, कॉर्टेक्स सेल्स, दैट इज कॉर्टेक्स, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, स्पेशली इसके बाद जस्ट वी लुक सपोज दैट इज फ्लोएम, फ्लोएम, ओके, और सपोज कि अगर ये डाइकॉट प्लांट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, कैम्बियम, क्या होगा ये, कैम्बियम, ओके। लास्ट में मान लो हमने बना दिया ये जाइलम एंड प्लस पिच, मास ऑफ सेल, सेल दैट इज कॉल्ड पिच, ठीक है दोस्त। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमने एपिडर्मल सॉरी टिश्यू सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो केवल और केवल यही है, अभी इसके पहले थोड़ी सी लेक्चर में गलती होगी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना। जबकि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जरा ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ये कहां से कहां तक होंगे, सो फ्रॉम हाइपोडर्मिस से लेकर के पेरिसाइकल तक, ये रीजन था, यानी यहां से लेकर के और यहां, ये क्या कहलाएंगे आपके, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यूज। ग्राउंड मतलब हिंदी में बोलते हैं भरड़ ऊतक, ऐसे ऊतक, ऐसे टिश्यूज जो खाने को क्या करते हो, स्टोर करने का काम करते हैं। जबकि दोस्त यहां से लेकर के यहां तक कह सकते हो, ये आपका क्या है, बस क्यूलर टिश्यू सिस्टम, जरा समझना, फ्लोएम कैम्बियम एंड जाइलम, फ्लोएम कैम्बियम एंड जाइलम दैट इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर मींस जो एक ऐसा वेसल्स जो वाटर मिनरल को हार्मोन्स के कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है। हाइपोडर्मिस, फ्रॉम हाइपोडर्मिस टू पेरिसाइकल दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और सबसे बाहरी वाला क्या हो गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया, क्लियर है, एपिडर्मल टिश्यू। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्पेशली जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें तो ये स्पेशली बना होता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू से, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज जो कि कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, कौन, सॉरी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और एक जरा ध्यान दीजिएगा, जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होते हैं वो प्लांट्स में क्या क्या बनाते हैं, तो ये प्लांट्स में
hears hairs, ठीक है, trichomes, hair trichomes, cuticle, stomata, coliform cells, cuticle, stomata and coliform cells, तो स्पेशली एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो बाहरी रीजन आप देख रहे हो, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्लांट्स में करते क्या है, तो ये प्लांट्स में सबसे आउटर बाउंड्री का फॉर्मेशन करते हैं, प्लांट्स का सबसे आउटर बाउंड्री जो होगा वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा, स्पेशली मेड बाय पेरेंट कैनेटस टिश्यूज के बने होंगे, ठीक है, और बनाते क्या है ये प्लांट्स के छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो वाटर लॉस को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, ट्राइकोम्स छोटे छोटे ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टेम पे पाए जाते हैं, ओके ट्राइकोम्स, ओके प्लस क्यूटिकल, अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के ऊपर, मान लो इसको मैंने मान लिया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सो एन एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ क्यूटिकल सब्सटेंस, ठीक है ना, ये एक बैक्सी सब्सटेंस होता है क्यूटिकल, ठीक है ना, जो क्या करता है प्लांट्स में वाटर लॉस को रोकता है, वाटर लॉस के साथ साथ जो है प्लांट को क्या करता है प्रोटेक्शन देने का वर्क प्ले करता है, ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हेयर्स ट्राइकोम्स क्यूटिकल्स स्टोमेटा और कोलिफॉर्म सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर है,